अपन यहाँ पे डेली ओपन कर लेते हैं। लेकिन अभी तक अपन जो एंट्री करते थे उसमें हमने आपको इन्वेंट्री वाली एंट्री बता दी थी और गोडाउन से माल ट्रांसफर करना भी बता दिया। इतना क्लियर है आप सब? अब अपन जब बिजनेस में वर्क करते हैं अपन संपत्ति परचेज करते हैं। संपत्ति होती है फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट क्या होती है? स्थायी संपत्ति जिसका यूज़ अपन लंबे टाइम के लिए करते हैं। ऐसी संपत्ति जिसका यूज़ आप अपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं और उस संपत्ति का यूज़ आप लंबे टाइम के लिए करते हैं। जैसे कि अपनी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मशीन परचेज करते हैं। मशीन का यूज़ किस लिए करते हैं? फैक्ट्री के पर्सनल यूज़ के लिए, माल बनाने के लिए करते हैं। फिर उसका यूज़ अपन बहुत लंबे टाइम तक करते हैं, तो वो क्या होती है? फिक्स्ड एसेट। आपकी एसेट दो टाइप की होती है, एक होती है करंट एसेट, एक होती है फिक्स्ड एसेट। आपने देखा होगा जब भी आप बैलेंस शीट चेक करते हो वहाँ पर करंट एसेट शो करवाता है। आपके पास जो कैश रहता है वो आपको करंट एसेट में देखने को मिलता है, आता है वहाँ पर। करंट एसेट क्या होती है? ऐसी संपत्ति जो इस साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, वो क्या होती है? करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या होती है? जो लंबे टाइम तक जिससे अपन यूज करते हैं वो होती है फिक्स्ड एसेट, हिंदी में बोलते हैं स्थायी संपत्ति। जिसका यूज अपन लंबे टाइम के लिए करते हैं, ऐसी संपत्ति जिसका यूज आप बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए करते हैं। जैसे अपन फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो फैक्ट्री में मशीन वगैरह परचेज करते हैं, उसका यूज बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए करते हैं। या आपकी कोई शॉप वगैरह है वहाँ पे आप फर्नीचर वगैरह परचेज करते हैं, या अपन कंप्यूटर परचेज करते हैं, उसका यूज किस लिए कर रहे हैं? बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या होती है? स्थायी संपत्ति। अगर आप संपत्ति परचेज करते हैं तो सबसे पहले आप उसका लेजा बनाइए। आप यहाँ पे A N C से लेजा बना लेंगे। जैसे अपन फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे फर्नीचर से लेजा बना लेंगे, फर्नीचर अकाउंट के नाम अंडर में आप इसे डालेंगे फिक्स्ड एसेट में। स्थायी संपत्ति अंडर में आप इसे डाल देंगे फिक्स्ड एसेट में। एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। ऐसे अगर आप मशीन परचेज कर रहे हैं तो आप लेजर किसके नाम से बना देंगे? मशीन के नाम पर, मशीन अकाउंट अंडर में इसे भी आप डाल देंगे फिक्स्ड एसेट में। एंटर करके सेव कर दें, मतलब जो भी संपत्ति आप परचेज कर रहे हैं आप उसका पहले लेजर बना लेंगे, अंडर में आप उसे डाल देंगे फिक्स्ड एसेट में। अब अपन नेक्स्ट स्टेप से बेच चलते हैं। अब जब आप इस संपत्ति को खरीदेंगे, अगर आप ये संपत्ति नजद खरीदते हैं, दो रत्न है, या तो आप नकद खरीद रहे हैं या तो आप उधार खरीदते हैं। आप जब इसकी वाउचर एंट्री करेंगे, अगर ये संपत्ति आप नकद खरीदते हैं तो एंट्री आप करेंगे पेमेंट वाउचर में। आप ध्यान रखना, संपत्ति खरीद रहे हैं अपन, माल नहीं खरीद रहे। माल खरीदते हैं तो एंट्री किस में करते हैं? परचेज वाउचर में। अब अपन क्या परचेज कर रहे हैं? संपत्ति। संपत्ति खरीद रहे हैं, इसकी एंट्री आप करेंगे पेमेंट वाउचर में, क्योंकि बिजनेस में संपत्ति आएगी कैश जाएगा। अगर आप नकद संपत्ति खरीदते हैं तब आपको एंट्री करना है पेमेंट वाउचर में। अगर उधार संपत्ति खरीदते हैं तो जनरल वाउचर। देखिए, पहले अपन नकद संपत्ति खरीदने की एंट्री करते हैं। आप नकद संपत्ति खरीद रहे हैं, एंट्री आप करेंगे F5 से पेमेंट वाउचर में। बाय में आ जाएगा संपत्ति का नाम, बिजनेस में संपत्ति आ रही है तो बाय में आ जाएगा जो संपत्ति आप परचेस कर रहे हैं। जैसे अपन फर्नीचर परचेस कर रहे हैं तो बाय में आ जाएगा फर्नीचर। अकाउंटिंग का रूल है, जो चीज बिजनेस में आती है उसे बाय करते हैं, जो बिजनेस से जाती है उसे टू करते हैं। आप यहाँ अमाउंट डाल देंगे और टू में आ जाएगा कैश। अपने पास से कैश जा रहा है तो आप टू में क्या लिखेंगे? कैश। एंट्री हो जाएगी बाय फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। एंटर करेंगे, आप यहाँ नरेशन डाल देंगे बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन कैश। एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। क्लियर है ना? ये संपत्ति अपन ने कैसे खरीदी थी? नजद। तो आपने एंट्री किस में की? पेमेंट वाउचर में। ऐसे अभी अपन ने कैश दिया था, आप नजद संपत्ति खरीद रहे हैं लेकिन आप पेमेंट किससे कर रहे हैं? फोन पे से, या आप चेंज दे रहे हैं, तब भी एंट्री आपको पेमेंट वाउचर में करना है क्योंकि संपत्ति कैसी है? नजद है। फिर अपन कैश नहीं देखे क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तब आप टू में चले जाएंगे बैंक। अगर आप चेंज दे रहे हैं तब भी आप टू में बैंक लिखेंगे,
आप फोन पे से पेमेंट कर रहे हैं तब भी आप टू में बैंक ही लिखेंगे, क्लियर है। लेकिन अगर यही संपत्ति आप उधार खरीदते हैं तब आपको एंट्री करना है जनरल वाउचर में, F7 से जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर में एंट्री क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कैश से लेन देन नहीं हो रहा, संपत्ति आ रही है लेकिन कैश नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि उधार है। ऐसी कंडीशन जिसमें कैश से लेन देन नहीं होता, एंट्री आप किस में करते हैं? जनरल वाउचर में। फर्नीचर तो आपका बाय में आएगा क्योंकि उधार खरीदे थे, नजर बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में फर्नीचर किस में आ जाएगा? बाय में। अमाउंट डाल देंगे आप यहाँ पे, एंटर करेंगे। अब टू में क्या आ जाएगा? उस पर्सन का नाम जिससे आप उधार फर्नीचर खरीद रहे हैं, आप अल्टर प्लस सी से उस पर्सन के नाम का लेजा बना लेंगे। अल्टर प्लस सी से उस पर्सन के नाम का आप यहाँ पे लेजा बना लेंगे। जैसे आप सोहन से खरीद रहे हैं तो आपने यहाँ लिखा सोहंस अकाउंट, अंडर में आप इसे डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। उधार खरीद रहे हैं तो अंडर में आप इसे डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, एंटर करेंगे। फिर आपसे पूछ रहा है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, कितने टाइम बाद अपन पेमेंट कर देंगे। जैसे अपन बोलते हैं सोहन हम आपसे आज फर्नीचर खरीद रहे हैं, हम आपका पेमेंट 25 दिन बाद कर देंगे, 28 दिन बाद कर देंगे, तो आप वो दिन यहाँ पे टाइप कर देंगे, एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? बाय फर्नीचर अकाउंट टू सोहन्स अकाउंट, एंटर करेंगे। अब आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे न्यू रेफरेंस, देखिए एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे शो करवा रहा है 1 अप्रैल 2023 को अपन सोहन से फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। अपन ने बोला था अपन 28 दिन बाद पेमेंट कर देंगे, मतलब 29 अप्रैल को पेमेंट कर देंगे, एंटर करेंगे। अब आप यहाँ नरेशन डाल देंगे बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, उधार है, आप यहाँ डाल देंगे क्रेडिट, उधार फर्नीचर खरीदे, एंटर करके सेव कर देंगे, क्लियर है इतना। अगर आप नगद फर्नीचर खरीदते हैं तो एंट्री किस में करेंगे? पेमेंट वाउचर में। उधार खरीदते हैं तो जनरल वाउचर में, चल लेंगे। अब अपन एसटीएफ से बैच चलते हैं। अब आप जब बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, फिक्स्ड एसेट कितना है अपने पास? 75,000 है। जब आप इस पे जाके एंटर करेंगे देखिए बता रहा है आपको फर्नीचर। अब अगर आप इसमें कैपिटल लगाते हैं, कैपिटल की एंट्री आप किस में करते हैं? F6 से रिसीव वाउचर करते हैं। अल्टा प्लस सी से अपन यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को लेजर बना लेते हैं। ये आपके अंडर में जिसमें आता है कैपिटल अकाउंट, और बाय में आपने यहाँ पे लिखा केस, एंटर करके आपने सेव कर दिया, यही एंट्री करते। अब आप एसटीएफ से भेज जाएंगे। अब आप बैलेंस शीट चेक करेंगे, देखिए दो बता रहा, एक आपको बता रहा है करंट एसेट, एक बता रहा है फिक्स्ड एसेट, बता रहा है फिक्स्ड एसेट कौन सी है? इस पे जाके आप एंटर करेंगे, क्या बता रहा है आपको यहाँ पे? फर्नीचर बता रहा। एसटीएफ से भेज जाएंगे, करंट एसेट पे जाएंगे, क्या बता रहा है आपको यहाँ पे? कैश इन हैंड, जितना कैश अभी अपने पास है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी अपन ने कैपिटल कितनी लाई थी? 1 लाख रुपए। कैपिटल तो आपको 1 लाख बता रहा है, बता रहे हैं आप, लेकिन कैश आपको 50,000 क्यों बता रहा है? बताइए, अपन ने बिजनेस में कैश लाया तो अपन ने कितना लाया था? 1 लाख रुपए। कैश अपन ने 1 लाख लगा, अभी आपके सामने एंट्री की, कैपिटल में भी आपको बता रहा है 1 लाख रुपए, लेकिन यहाँ पे करंट एसेट में कैश कम क्यों हो गया? यहाँ 50,000 क्यों बता रहा है? हाँ, क्योंकि इससे पहले आपने एंट्री की थी फर्नीचर परचेज करने की, इसमें अपन ने फर्नीचर यहाँ पे नजद खरीदा था 50,000 का, पहले यहाँ पे कैश के नीचे कैसे आ रहा था? रेड एरर बता रहा था, क्योंकि उतना अपने पास कैश नहीं था जितने से अपन ने फर्नीचर परचेज कर लिया था। अब अपन ने 1 लाख रुपए कैश ला दिया तो 50,000 उसमें माइनस हुई, अब कितना बचा अपने पास? 50,000। इतना कर लेंगे आप, इतने में आप लोग कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, इतना कर लेंगे आप। अब जो आपने संपत्ति परचेज की है, इस संपत्ति का आप लंबे टाइम तक यूज करेंगे। ये अपन ने यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया, अब इस फर्नीचर का आप लंबे टाइम तक अपने बिजनेस में यूज करेंगे, बिजनेस के पर्सनल यूज के लिए। जब आप इस संपत्ति को लंबे टाइम तक यूज करेंगे, जैसे माना आपने यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया था, अब आप इसका 1 साल या 2 साल तक आप इसका यूज करेंगे, जब तक ये फर्नीचर आपको चलता रहेगा। अभी अपन ने टोटल फर्नीचर 50,000 का नगद, 25,000 का उधार, टोटल कितने का हो गया? 75,000। जब आप 1 साल या 2 साल बाद इस फर्नीचर को सेल करेंगे, बेचेंगे आप इससे यूज करने के बाद, आप इसको बेच देंगे,